इंटरेस्टिंग किताब है ये, क्रिस बेली की, हाइपर फोकस के नाम से। तो उसने बड़े मज़े की उसने एक्सप्लेनेशन उसकी, मैं एक टॉक भी सुन रहा था, ही वाज एक्सप्लेनिंग के हम लोग अक्सर कहते हैं ना वी आर माइंड्स आर डिस्ट्रैक्टेड, आर ब्रेन्स आर डिस्ट्रैक्टेड। तो उसने ना कह रहा था कि वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, वी आर बेसिकली ओवर स्टिमुलेटेड। सो एंड व्हाट इज हैपनिंग इज के हमारा दिमाग, हम लोग तो ना वी एट वन मोमेंट इन टाइम ना वी आर, हमारे जितने भी सेंसरी इनपुट्स हैं, हम लोग 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं एट एवरी सेकेंड, जिसमें से हमारा कॉन्शियस ब्रेन है वो रफली 40 to 60 को प्रोसेस करता है। एंड उसमें से फिर हम लोग कुछ, उसमें से भी बल्कि कहते हैं जो रियली जिस पे अटेंशन ज़्यादा होती है वो 3 से 4 या एंड वन टाइम, एट वन मोमेंट टाइम हम एक पे काम कर रहे होते हैं। अब हो क्या गया, जब हम सेलफोन यूज़ कर रहे होते हैं ना तो हम तगड़ा ढेरों ढेरों इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और हमारा दिमाग में जा ही जा रही हैं चीज़ें, हमारी ब्रेक नहीं मिल रही। सो वी आर कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड, जिसकी वजह से वी आर ऑलवेज ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्टेड, एक काम पे फोकस नहीं हो पा रहा ना। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है वैसे ये ब्रेन वाली ना। 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं हमारे ब्रेन में। न्यूरॉन्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स ट्रैवल करते हैं, वो पूरा एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है आप समझ लें। लेकिन ये जो जितनी भी चीज़ें ब्रेन गैदर कर रहा होता है, अल्लाह ताला ने वो डिवाइड किया हुआ है ना, सब कॉन्शियस माइंड भी है, बहुत सारी चीज़ें आपके सब कॉन्शियस में चली उधर ही जा रही ज़्यादा, ताकि आपको कॉन्शियस एफर्ट ना करनी पड़े। बहुत सारी चीज़ें जो आप नई दफ़ा पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हो उनमें आपको कॉन्शियस एफर्ट पुट करनी पड़ती है। इसमें ये भी है कि बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, कि जैसे देखें पहले खासकर अगर आज एज जो यूथ है उनकी बात की जाए तो देवर यू नो वीडियोज़ बैक देन के आधे आधे घंटे के वीडियोज़ हैं, वो श्रिंक होते होते 5-6 मिनट के वीडियोज़ आना शुरू हो गए। अब उसको भी अगर आप श्रिंक कर लें तो 1 मिनट के मेरे ख्याल से वीडियोज़ थे, अब वो 30 सेकेंड्स पे आ गए हैं और वो भी रील्स अबाउट नो, अब अल्लाह नोज़ बेस्ट कि अब अगले दफा भी क्या होने वाला है। तो यू नो यू जस्ट कीप ऑन स्वाइपिंग एंड स्वाइपिंग एंड ऑल, और ये ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग चल रही होती है। सो मच डोपामाइन दैट वी नीड, हमारे डोपामाइन इतने इन्फ्लेट बड़े हो गए हैं कि अभी हमें जो पहले 10 साल पहले जो डोपामाइन सेटिस्फाई करता था वो अभी नहीं करता। नाउ वी नीड डोपामाइन रश एवरी 10 सेकेंड्स, एवरी 15 सेकेंड्स, और हमारे जो जहन में ना ब्रो, देखें रिसर्च के मुताबिक 35,000 चॉइसेस वी मेक इन अ डे, 35,000 चॉइसेस वी मेक इन अ डे, किसको लाइक करना है नहीं करना, नीचे जाना है, इसको रिप्लाई करना है नहीं करना, इसकी कॉल अभी उठानी है उठानी, ये इधर से गुजरना है या मुझे इधर से गुजरना है, 35,000 चॉइसेस, और 70,000 to 140,000 थॉट्स हमें आती हैं, यानी आ रही होती है, और सिर्फ यानी ये कॉन्शियस थॉट्स हैं, सब कॉन्शियस थॉट्स तो बहुत लाखों में आ रही होती हैं। एंड व्हाट हैज हैपन टू अस इज कि हम उन सब को जो है ना, व्हाई यू फील स्ट्रेस्ड, लोगों के ना यहाँ पे पेन होता है, लोगों को ना हार्ट बीट तेज होता है, लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि मेरी लाइफ में हर चीज सेट है बट क्यों मैं स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि दे हैव सो मच इन देयर ब्रेन्स कि वो प्रोसेस वो एग्जॉस्ट हो जाता है। आप कभी सीपीयू पे 5-6 काम इकट्ठे खोल देना वो उसकी जो है ना वो धुएं निकल जाती हैं, मतलब ब्रेन के साथ भी। लेकिन साइंस में ना ये अभी तक हम ये डिस्कवर नहीं कर पाए कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना कंप्यूट कैसे होती है माइन्यूट लेवल पे, हाउ इज इट ऑल कंप्यूटेड दिस सारी इन्फॉर्मेशन, ये अभी तक साइंस डिस्कवर नहीं कर पाई। बट जहाँ तक ये हमारे जो जनरल है ना सेलफोन से और फोकस और इन चीज़ों से रिलेटेड, इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज बहुत सारी हुई भी हैं। बल्कि एक हमारे ब्रेन से रिलेटेड था कि आई थिंक 2012 में हार्वर्ड की स्टडी थी, जिन्होंने उन्होंने ना 5,000 लोगों को ओवर 80 कंट्रीज उनको स्टडी किया, और उसमें उन्होंने देखा कि लोग कितना उनका ना ब्रेन वेंडर कितना कर रहा होता है, वेंडरिंग नेस कितनी है। तो वो आ रहा था कि जो रैंडम थॉट्स और चीज़ें होती हैं वो तकरीबन 47% ऑफ द टाइम हमारा दिमाग ना रैंडम चीज़ों की तरफ जा रहा होता है, लाइक कॉन्शियसली हमारा ये दिस इज द कॉन्शियस ब्रेन। तो वो कह रहा था कि नॉर्मली अगर आप मेरे से बात, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको बेसिकली यू आर गिविंग मी 50% रफली योर अटेंशन, 50% अटेंशन आप नहीं मुझे दे रहे होते एवरेज आउट। तो वो कहते हैं और ऑल्दो एक चीज़ ये है कि जो वेंडरिंग है ना, इट्स ये एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप वेंडरिंग करते हैं दैट्स व्हेन योर क्रिएटिविटी कम्स इन, योर ब्रेन इज अ वेरी पावरफुल ऑर्गन। मैं मी एज अ लेमैन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, नहीं सीरियसली, अब देखें जब बंदा जिम जाता है ना, अच्छा देखें दो चीज़ें होती हैं, यू नो देयर इज दिस जो ड्वेन जॉनसन एट द रॉक वो कहते हैं ना फोकस, उसका यही स्लोगन है फोकस, एंड इट रियली यू नो इट रियली मीन्स समथिंग। आप एक्सरसाइज लगाएं, आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आप बिल्कुल फोकस होकर लगा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स चेक करें
और एक आप रैंडमली एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आप कहीं कभी से बात कर रहे हैं, आप कुछ हो सकता है कोई बंदा म्यूजिक सुन ले या कोई और लेक्चर सुन रहा है फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है ब्रो, रिजल्ट्स में फर्क आएगा पता है आपको। और ये आपके ब्रेन के बड़ा डिपेंड करता है कि जब आप फोकस होते हैं ना, हालांकि चीज वही है, एफर्ट वही है, सब कुछ वही है, और रिजल्ट्स देखिए उसमें आपको जो है ना, आजकल बड़ा स्टडी किया जा रहा है और फैलाया भी जा रहा है माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, बींग माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट। यानी माइंडफुलनेस को अगर मैं सिंपल डिवाइड करूं कि नोइंग वेयर यू आर सिटिंग, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट थॉट्स आर कमिंग टू योर माइंड, आपके बॉडी में आपको ख़ारिश कहाँ पे हो रही है, ठीक है, इज एवरीथिंग। आपको अटेंशन फोकस के साथ मल्टीटास्किंग ना करना, यूनिटास्किंग करके, यू नो व्हाट, इवन स्टडीज ने ये शो किया है कि जो लोग माइंडफुल ईटिंग करते हैं ना, वो ऑबेसिटी की तरफ नहीं जाते हैं। देयर स्टमक गिव्स देयर ब्रेन अ क्विक सिग्नल कि यू आर फुल राइट नाउ। जो लोग अनमाइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी पे खबरें सुन रहे हैं और वो खाई जा रहे हैं, द डिले इज देयर इन गिविंग द सिग्नल सिग्नलिंग और रिजल्टिंग इन ओबेसिटी और दिस इज प्रॉब्लम्स है। अभी इतनी, अब ये आप ये कह लें कि एपिडेमिक हो गया है, बड़ों की बात को छोड़ दें, अगर बच्चों को देख लें ब्रो, सात सात घंटे जब वो गेम्स खेल रहे होते हैं, यकीन करें वो उनका जो जो बॉडी है इतना टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, उनको पता भी नहीं चल रहा होता, और इतने वो खा रहे हैं, कभी कुछ बर्गर चल रहे हैं, पिज्जा चल रहे हैं। देखा है कि बच्चों को खाने के टाइम पे सेलफोन लाजमी देना, शो करती है कि आपका जो इवन आप फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं यानी माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज, ठीक है, या माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन बोलते हैं, MBIs बोलते हैं, ठीक है, ये पूरी एक इवन माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी भी है, ये बल्कि वेस्ट में तो बहुत पिकअप करके भी है, कि जिसमें यू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल बाय माइंडफुल माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस। यू डोंट ओवरथिंक योर पास्ट, और इतना आप फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस नहीं होते, यू नो यू ट्राई टू लिव इन योर प्रेजेंट। इट्स मोर देन दैट, इट्स एक्चुअली वेटिंग एंड रियलाइजिंग कि मैं अभी किधर बैठा हुआ हूँ, क्या सोच आ रही है मेरे, उसमें खाने के टाइम पे फोकस्ड होना। आपको हमारे जहन में जो एक एमिग्डाला है उसके अंदर जो ग्रे मटेरियल है वो MRIs वाले थ्रू किया गया, जो हमारे ना स्ट्रेस लेवल्स में डील करता है, इट श्रंक एंड रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ माइंडफुल बेस्ड इंटरवेंशन। कि आप फोकस्ड हो, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, आपका यानी हैप्पीनेस ब्रो जी। MBIs के समय ये पता क्या होता है, ये आप जो बात कर रहे हो ना, हमारा जो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस इसलिए हो रहा होता है कि जब आप माइंडफुल है ना, तो आप एक काम पर फोकस कर रहे हैं। बेसिकली माइंडफुलनेस के एक समरी है कि अगर हम जैसे भी हम बैठे ना, exactly. so we are not focusing on this discussion. हमारे जिन में कोई अपने घर का काम ना चल रहा, यहाँ पे कोई सेल फोन ना हम चेक कर रहे हो, हमारा अटेंशन किसी और चीज की तरफ ना डाइवर्ट, लाइक मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे, आप बात करें मैं आपका फोकस होकर सुन रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज बीइंग माइंडफुल, व्हाट हैपेंस इज कि दिस इज यूनिटास्किंग, मल्टीटास्किंग लीड्स टू स्ट्रेस रिलीज ऑफ कोर्टिसोल व्हिच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। यस, जितना आप मल्टीटास्क करते हैं आपके दिमाग में होते हैं, हमें लग रहा होता है अच्छा मैं एक वक्त में चार काम कर रहा हूँ, कुछ लोगों को तो खुद स्ट्रेस फील भी होता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रोडक्टिविटी, कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा अच्छा मल्टीटास्क करूं, मैं एक वक्त, और स्टडीज इस पे रिसर्च हुई है लोगों पे, जो लोग कहते हैं ना उनके ऊपर कि उनके एक्चुअली परफॉर्मेंसेज आर सम ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेज, तो वो क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल जब आपके ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आ जाती है। जैसे कॉर्टिसोल को आप रिलीज करने के लिए ना एक्सरसाइज जो है इट्स वेरी गुड, यस, मतलब इट हैज टू बी रिलीज समवेयर, अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपकी आपका ब्रेन हेल्थ बहुत डैमेज होती है कॉर्टिसोल। वो पॉजिटिव स्ट्रेस है जो कि आप ना कंपटीशन से और उस सब से ले रहे होते हो, यानी और आप उस दिन शेयर कर रहे थे कि जिसमें यू आर इन हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड यू आर चेकिंग योर मैसेजेस। ये ब्रो कितनी बड़ा मसला है, मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला बता रहा था कि ताहा भाई आपको पता नहीं है इस मोबाइल फोन की वजह से एक्सीडेंट्स 90% बढ़ गए हैं, पहले कम होते थे लेकिन आज हम जितने एक्सीडेंट्स देखते हैं ना उनकी 90% जो रीजन है ना वो सेल फोन है। यार आप लाइट्स दे रहे होते हैं बंदे को वो नहीं हट रहा होता, आप डिसेंटली लाइट्स दे रहे हैं, मतलब मेरा वैसे तरीका ये कि आई डू इट वंस, आई डू इट ट्वाइस,
एंड देन आई डू ऊपर शहर के बम्पर पे जब आप उसको मैंने कितनी बार यार रिपीटेड जब क्रॉस किया तो बंदा फोन पे था यार फोन पे बहुत अब तो कॉमन है गाड़ी ऐसे आ रही होती है आप फास्ट लेन में जा रहे हैं गाड़ी आपके अंदर आ रही है आप उसको ना सरप्राइज करते हो बाय यू नो हॉर्न वो अचानक से ठीक होता है फोन उसके पास ऐसे होता है और कितने लोग सो आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड चेकिंग योर सेल फोन एंड दिस इज अ नॉर्मल हैबिट नाउडेज ऑफ द यूथ और हम में से भी कुछ लोगों की ठीक है क्या इवन सुभान अल्लाह मैं बताऊं आपको